हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये अकाउंटेंसी का बेसिक टॉपिक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें बेसिकली अपन जो टॉपिक सीखेंगे वो अकाउंटेंसी की बेसिक वोकैबुलरी है उसे देखेंगे, और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे यूज करना है वो अपन देखेंगे। देखिए, हर लैंग्वेज की एक डिक्शनरी होती है, तो ऐसे ही अकाउंटेंसी की भी एक डिक्शनरी होती है, उसको अपन को फॉलो करना होता है। तो अपन वो डिक्शनरी ही समझेंगे, साथ में अपन इक्वेशन में कैसे उसका यूज करेंगे वो अपन देखेंगे। तो सारे वर्ड्स नए होंगे, तो आपको नए वर्ड्स को जो सीखना है उनको समझना है वो सारा इस वीडियो में होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये आप हैं और ये है आपका बिजनेस। देखो, डेफिनेशन वगैरह तो सब आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग करें कि ये है क्या। ये आप हैं, आपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, सही है, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, जो बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यू इन द बिजनेस, यू का मतलब यहाँ क्या, ओनर है, आप इसके ओनर हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यू इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इसको अपन ऐसे देखते हैं, ऐसे बिजनेस से यदि आपने कोई पैसा विड्रॉ किया, क्या विड्रॉ किया, किसके लिए विड्रॉ किया, सर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो उसके लिए एक वर्ड दिया गया, क्या, ड्रॉइंग्स। अगर आपने अपने बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो वो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स। तो हमें दो वर्ड पता लग गए, एक तो कैपिटल और एक ड्रॉइंग्स। ऐसे अपन आगे चलते हैं, ये एक अपन ने पॉइंट समझा, एक पॉइंट अपन और लिखते हैं। एक लेते हैं अपन गुड्स, और इसको कंपेयर करेंगे वर्सेस एसेट्स से। देखो, एक्चुअली ये चीज क्लियर होती है कि इनका पर्पस क्या था, कि हमने इनको खरीदा तो उसके पीछे पर्पस क्या था। मान लो गुड्स आपने खरीदी, गुड्स किस लिए खरीदी जाती है, परचेज्ड फॉर सेल पर्पस, परचेज फॉर सेल पर्पस। आपने क्यों खरीदी है, बेचने के लिए। तो जो भी चीज आपने बेचने के लिए खरीदी है उसको क्या कहते हैं, गुड्स। अब गुड्स को कई लोग स्टॉक भी कह देते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। सर एसेट्स क्यों परचेज की जाती है, परचेज्ड फॉर यूज पर्पस, यानी इसको आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा, आपने किसके लिए खरीदा है, यूज करने के लिए, और इसको किसके लिए खरीदा है, सेल करने के लिए। तो दोनों के पीछे हैं, दोनों ही आपके एसेट एक तरीके से, लेकिन एसेट के अंदर का भी एक क्लासिफिकेशन है गुड्स, कि गुड्स किनको कहा जाएगा, जिनको कि आपने बेचने के लिए खरीदा है, और एसेट्स किसको कहा जाएगा, जिसको कि आपने यूज करने के लिए खरीदा है। ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे एक ज्वेलर है, ज्वेलर ने ज्वेलरी क्यों खरीदी है, बेचने के लिए, उसके लिए गुड्स है। और हमने अगर ज्वेलरी खरीदी है तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, वो तो हमने यूज करने के लिए ली है, तो हमारे लिए क्या हो गई, एसेट्स। फर्नीचर, हमने फर्नीचर क्यों लिया, यूज करने के लिए, तो ये हमारी क्या बन गई, एसेट। लेकिन फर्नीचर वाले के लिए तो फर्नीचर बेचने के लिए लिया उसने, तो उसके लिए वो क्या बन गई, गुड्स। यानी एक ही ज्वेलरी है, एक ही फर्नीचर है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए उसका अलग अलग पॉइंट हो सकता है। कोई किसी के लिए गुड्स है तो किसी के लिए एसेट भी हो सकती है, ये अपन को ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट वर्ड अपन देखते हैं, दैट इज लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज क्या होती है, देखिए आपने एक बैंक से लोन लिया, अब ये बैंक से जो आपने लोन लिया ये पे करोगे नहीं पे करोगे, सर पे करेंगे जी, हम कोई बैंक का पैसा खाएंगे थोड़ा ना, तो पे करोगे। तो जो भी चीज आपको पे करनी है इन फ्यूचर वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी। जो भी चीज फ्यूचर में आपको पे करनी है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है, सही है। आगे देखें, अब एक वर्ड अपन ले रहे हैं, दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, जिसमें कि आपने कैश पे नहीं किया हो। इसके लिए मैं एक वर्ड बनाता हूं, ये आप हैं, आपने क्रेडिट में परचेज की है, क्रेडिट में परचेज की है, मान लेते हैं उस पर्सन का नाम है चंद्रमुखी। सर ये इतना टिपिकल नेम क्यों रखा, चंद्रमुखी, केवल याद कराने के लिए चंद्रमुखी नाम इसलिए रखा इसका, कि सी फोर क्रेडिटर। तो जिनसे आप उधार में परचेज करते हैं वो आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स को हिंदी में कहते हैं लेनदार, सही है।
तो सी फोर चंद्रमुखी, सी फोर क्रेटर, तो याद कर लो जिससे आपने गुड्स परचेज की हैं वो आपका क्रेटर होगा चंद्रमुखी, सही है, और जिसको आपने क्रेडिट में सेल की है, क्रेडिट सेल, वो आपका पर्सन मान लेते हैं देवेंद्र को बेचा है, तो देवेंद्र आपका यहां क्या बन गया, डेटर, ठीक है। इसको डेप्टर नहीं बोलते बिकॉज बी जो है वो यहां साइलेंट है, इसको जो बोलते हैं इसका प्रोनंसिएशन जो है वो डेटर का, इट इज नॉट डेप्टर, इट इज डेटर, ये इसका प्रोनंसिएशन है। तो अपन को ये बात याद होगी कि जिससे हमने गुड्स परचेज की है वो हमारा क्रेडिटर है और जिससे उधार में बेची है वो हमारा डेटर है। अब देखो इसको तो पैसे पे करने, क्योंकि आपने उधार में परचेज कर ली, पैसे तो दिए नहीं, तो ये आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस भी चीज को पे करना है, ये जो पे करना है ये आपकी क्या है, लायबिलिटी, जिसको पे करना है वो आपकी क्या है, लायबिलिटी। और देवेंद्र से तो आपको पैसे लेने हैं क्योंकि आपने इसको उधार में माल बेचा है, इससे आपको पैसे लेने हैं, तो टू रिसीव, जिससे भी आपको पैसे लेने हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, एसेट्स, सही है। जिसको पैसे पे करने हैं वो लायबिलिटी है, जैसे कि क्रेडिटर, ये हमारी लायबिलिटी है, लेकिन जिसे पैसे लेने हैं वो आपकी क्या है, वो आपकी एसेट्स है। तो ये कुछ बेसिक वोकैबुलरी है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया एक तो आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल है, और बिजनेस से जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल ले वो क्या है, ड्रॉइंग्स है। मैंने आपको फिर गुड्स और एसेट्स में फर्क बताया, एसेट्स तो वो है जो यूज करने के लिए खरीदी है, और गुड्स वो है जो आपने सेल करने के लिए खरीदी है। फिर मैंने आपको बताया लायबिलिटी क्या होती है, जिसको भी पे करना है वो आपकी क्या है, लायबिलिटी, बैंक लोन कुछ भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन, क्या कि यदि आपने किसी के क्रेडिट में परचेज किया है वो क्रेडिटर कहलाएगा, वो आपकी लायबिलिटी है, और यदि किसी को उधार में बेचा है तो वो आपका डेटर कहलाएगा और वो आपकी क्या है, एसेट है। इसको आपको पैसा पे करना है, टू पे, जिसको पे करना है वो क्या है, लायबिलिटी, और जिससे रिसीव करना है वो क्या है, एसेट। तो ये कुछ बेसिक वोकैबुलरी है जिनका कि अपन को ध्यान रखना पड़ता है। आगे चलते हैं, तो देखें जिस तरीके से मैथ्स में आपकी इक्वेशंस होती हैं उस तरीके से अकाउंट्स में भी इक्वेशन होती है। इक्वेशन किसे बोलते हैं सर, इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, तो क्या होती है इक्वेशन बताइए, इक्वेशन होती है जहां लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के, यही होती है इक्वेशन, जहां दोनों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे मैथ्स में कुछ इक्वेशन होती है वैसे अकाउंट्स में भी कुछ इक्वेशन होती है, तो हम देखते हैं हमारे कौन सी इक्वेशन काम आ रही है। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स, कि सर कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों का टोटल क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। पहली इक्वेशन अपन को ये याद करनी है। सर इसमें क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक ही बात है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बोलो या राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड बोलो, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए आप वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। तो कुछ बुक्स ने सजेस्टेड किया ऐसे और कुछ बुक ने सजेस्टेड किया ऐसे, तो ये भी सही है, गलत नहीं है, और ये भी सही है, पर क्योंकि आगे जाके बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में बनेगी इसलिए मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं, बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स ने वैसे भी किया है सर, ठीक है। तो इसके बारे में कंफ्यूजन अपन को नहीं लेना है। सर इनके अंदर क्या क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, कैपिटल, कैपिटल में क्या होता है, देखिए कैपिटल क्या है कि जितने भी आपके प्रॉफिट्स हों वो आपके यहां ऐड होंगे। कैसे सर, मान लो आपकी कोई 10,000 की चीज है, आपने उसको 12,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 2,000 का, वो प्रॉफिट आपका यहां आएगा तो वो तो ऐड होगा। जितने भी लॉसेस हैं वो आपके लेस होंगे, सर प्रॉफिट तो दिख गया, लॉस कैसे, मान लो आपकी 10,000 की चीज है, आपने उसको 9,000 में बेचा, कॉस्ट थी 10 की और आपने बेचा 9 में, कम में बेचा, तो 1,000 आपका क्या हो गया, लॉस। यहाँ कॉस्ट थी आपकी 10 की और आपने बेचा कितने में था, 12 में, यहाँ कम में बेचा 1,000 का लॉस, तो लॉस यहाँ क्या होगा, लेस। इसके अलावा ड्रॉइंग्स, अगर आप बिजनेस से पैसा निकाल लोगे तो उससे आपकी बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी, तो ड्रॉइंग्स भी यहाँ क्या होती है, लेस होती है। तो प्रॉफिट कैपिटल में सारे ऐड होते हैं, लॉसेस लेस होते हैं और ड्रॉइंग्स भी लेस होती हैं, ये सब किसके आ गया, पार्ट कैपिटल का। सर लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, देखें लायबिलिटीज में, देखिए जितने भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन, जिनसे कि आपने क्रेडिट में माल परचेज किया था, मैंने एग्जांपल दिया था चंद्रमुखी, वो आपकी क्रेडिटर है,
इसके अलावा आपने जितने भी लोन ले रखे वो लोन भी आपके क्या है, लायबिलिटी, आपको पे करने है। और एक नया वर्ड आपको बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपकी लायबिलिटी है। सर ये क्या होता है, तो देखो इसको समझना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का वर्ड मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी आपने सर्वेंट से काम तो करा लिया लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया। मान लो आपके शॉप में एक सर्वेंट काम करता है, आप उसको 10,000 पर मंथ देते हो, तो 12 मंथ के आपको उसको कितने देने पड़ेंगे, 1,20,000। तो ड्यू कितना हुआ, 120, इतना काम कराया उससे, लेकिन आपने पेड जो उसको किया ना, पेड सिर्फ 1,00,000 ही किया, कितना पेड नहीं किया, 20। तो ये जो 20 है जो ड्यू बट नॉट पेड है, ये नॉट पेड है, ये नॉट पेड है। तो जो ड्यू बट नॉट पेड है ना, वही आपका क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। काम तो करवा लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, और पेमेंट आपको करना पड़ेगा, पेमेंट इन फ्यूचर आपको करना पड़ेगा, इसलिए वो आपकी क्या है, लायबिलिटी। सही है, तो ये आपका एक नया वर्ड आ गया, क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सही है, तो ये भी आपका काम हो गया, लायबिलिटी भी होगी। सर एसेट्स में क्या आता है, तो अब एसेट्स में देखिए जितना भी आपका बिजनेस में कैश पड़ा है वो आपकी एसेट्स है। कुछ कैश आप शॉप में नहीं रखते, क्योंकि ज्यादा कैश रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, तो आपने वो पैसा कहां जमा करा दिया, बैंक में। तो बैंक में जो आपका पैसा पड़ा है वो भी आपकी एसेट है। इसके अलावा जैसे क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, तो डेटर आपकी एसेट भी तो है। जिसको आपने क्रेडिट में माल बेचा, जिसको आपने उधार में माल बेचा, तो वो डेटर भी आपकी क्या है, वो डेटर्स भी आपकी क्या है, एसेट है। इसके अलावा शॉप में या शोरूम में जो आपने फर्नीचर लगा रखा है वो भी आपकी एसेट है। इसके अलावा आपकी शॉप में कोई टाइपराइटर पड़ा है वो भी आपकी एसेट्स है। इसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक, या मैं इसको अभी स्टॉक कह दूं, जो स्टॉक आपकी शॉप में पड़ा जो अभी तक बिका नहीं है वो भी आपकी एसेट है। इसके अलावा अपन देखें प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी आपके एसेट है। सर प्रीपेड एक्सपेंस हमारी कैसे एसेट है, एक्चुअली प्रीपेड एक्सपेंस पहली बात तो अपोजिट है आउटस्टैंडिंग का। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पेड इन एडवांस, यानी आपने नेक्स्ट ईयर का खर्चा अभी से पे कर दिया, ईयर आया ही नहीं है, आपने खर्चा अभी से ही पे कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पेड इन एडवांस। यानी अब आपको सामने वाले से काम करवाना है, सामने वाले को काम करना पड़ेगा क्योंकि आप उसे पैसा एडवांस में दे चुके हो, या आपने पैसा अभी पे करना है और यहां दे चुके हो, तो ये आपकी एसेट है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड ये दोनों अपोजिट होते हैं, इसीलिए ये तो लायबिलिटी में आता है और ये कहां आता है, एसेट्स में आता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, पेड इन एडवांस। तो ये भी जो चीज है ये आपको ध्यान रख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने क्या डिस्कस किया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। बेसिकली इसमें जो कंटेंट आएंगे वो ये वाले होंगे, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ओवरऑल जो कंटेंट होने हैं ना वो इतने ही होंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस से वो आएगा, अपन आगे के वीडियोस में जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये चीज और क्लियर होगी। बस बाकी आप ये इक्वेशन याद रखिए कि क्वेश्चन जो है वो अपन को इस तरीके से करना होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते, अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे,
प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विद इन फाइव सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं ज़रूर चाहूँगा आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूँगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूँगा, BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।